ऑनलाइन क्लास में आप सबका सादर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग। देखिए देयर का प्रयोग दो तरह से होता है, एक होता है भूमिका के लिए और एक होता है जब वहां शब्द आ जाएगा, वहां के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सिर्फ भूमिका के लिए, इस देयर का अर्थ कुछ नहीं होता है। देखिए जब किसी वस्तु व्यक्ति इत्यादि का होना पाया जाता है वहां हम देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब किसी जगह पर किसी वस्तु का, व्यक्ति का, अन्य चीजों का होना पाया जाए वहां हम देयर का प्रयोग करेंगे। इस देयर का अर्थ कुछ भी नहीं होता है, यह सिर्फ भूमिका बांधने के लिए आता है। जैसे देखिए मैदान में लड़के हैं, मैदान में लड़के हैं, लड़कों का मैदान में होना पाया जा रहा है। लड़के कहाँ हैं? मैदान में हैं। तो लड़के मैदान में हैं, लड़कों का होना पाया जा रहा है कहाँ? मैदान में। तो यहां हम देयर से स्टार्ट करेंगे, देयर क्या करेंगे? देयर। अब लड़के हैं, यहां इसका प्रयोग करें, इन का प्रयोग करें, आर का प्रयोग करें, इसके लिए आपको पूर्व में पढ़ा जा चुका है इज एम आर का प्रयोग। लड़के चूंकि बहुत से हैं इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। हो गया देयर आर बॉयज इन द फील्ड, देयर आर बॉयज इन द फील्ड। मेरे विद्यालय में 400 छात्र हैं, मेरे विद्यालय में 400 छात्र हैं। विद्यालय में छात्रों का होना पाया जा रहा है इसलिए यहां भी देयर का प्रयोग करेंगे। देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। मेरे गांव में एक मंदिर है, गांव में मंदिर का होना पाया जा रहा है इसलिए यहां भी हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर इज ए टेम्पल इन द विलेज, लेकिन है मेरे गांव में एक मंदिर है तो देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज। एक शेर था, शेर का होना पाया जा रहा है तो लिखेंगे देयर वाज ए लायन, देयर वाज ए लायन। तालाब में पानी नहीं है, तालाब में पानी नहीं है, तालाब में पानी का न होना पाया जा रहा है इसलिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज के बाद नॉट लगा देंगे या नो लगाएंगे। तो देयर इज नो वाटर इन द पॉन्ड। देयर के प्रयोग में आपको कुछ उदाहरण बताए जा चुके हैं, उन उदाहरणों को आप लोग ध्यान से देखिए, अध्ययन कीजिए, सोचिए और उन पर ही आधारित आपके सामने कुछ ये अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, इसको अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। पहला है मेरे विद्यालय में 500 छात्र हैं, मेरे विद्यालय में 16 अध्यापक हैं, तुम्हारे गाँव में एक तालाब है, मेरे घर के सामने एक बागीचा है, गाँव में अस्पताल नहीं है, बागीचे में लड़के नहीं है। इनको आप लोग अपने नोटबुक पर उतार लीजिए, हल कर लीजिएगा, पुनः ये देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।